अभी मैं आपको ले आके दिखाऊंगी अभी अभी। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज जब मैं सुबह सुबह उठा तो सुहाना नहीं थी, क्योंकि कल ही गई है वो और काफ़ी दिन बाद गई है यहाँ से। तो हम लोग काफ़ी दिन एक दूसरे के साथ यहाँ पे रहे, तो अचानक से सुबह नींद खुली तो मैंने देखा, बड़ी अजीब सी फीलिंग आई। और हर दिन वो रहती थी तो ठीक था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा उतना, बस वक्त धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। और अभी सो के उठा, फ्रेश हुआ हूँ मैं और अपना और अब्बा का नाश्ता बना रहा हूँ मैं। अभी हम लोग नाश्ता करेंगे, उसके बाद मैं निकलूँगा कहीं काम से और फिर सुहाना से बात करूँगा कि कैसी तबीयत है उसकी वहाँ पे और उठी कि नहीं उठी। अभी जाऊँगा दिन में, हो सकता है टाइम मिलेगा तो उससे मिलने चला जाऊँगा। एक बार जा रहा हूँ भाई ब्रेकफास्ट करने, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में आज क्या कर रहा हूँ, आप लोग भी कर लीजिए। नहीं किया जो लोग, यह दलिया जो अब्बा नाश्ते में खाते, ये हमारा बॉयल्ड एग है जो हम एवरीडे मॉर्निंग में खाते हैं, एक अब्बा खाते हैं बाकी मैं खाता हूँ, सुहाना रहती थी तो वो एक खा लेती थी। तो ये काफ़ी गर्म है, इसको अभी मुझे ठंडा करना पड़ेगा। सारे एग्स को मैं जल्दी जल्दी छील लूँगा और उसके बाद मैं खाऊँगा। अब मैं सारे अंडों को काट लूँगा, निकाल दूँगा, क्योंकि मैं येलो पार्ट्स नहीं खाता। एक एग में रहेगा जो अब्बा खाते हैं, उनका पूरा होल एग रहेगा, बाकी मैं वाइट एग खाऊँगा सिर्फ। तो पहले मैं अब्बा का नाश्ता रेडी करके उनको दे दूँगा, क्योंकि वो 10 बजे, एग्जैक्ट 10 बजे नाश्ता कर लेते हैं, तो मैं उनका रेडी करके दूँगा, उसके बाद मैं खाऊँगा। तो अब्बा का नाश्ता रेडी है, ये उनका नाश्ता है सुबह का। मैं ब्रेड को काफ़ी अच्छे से टोस्ट कर लूँगा, क्योंकि काफ़ी क्रंची होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी कॉफ़ी का पानी गर्म हो चुका है, तो यहाँ पे मेरा ब्रेड रेडी हो चुका है, काफ़ी अच्छे से टोस्ट हो गया है। तो उस पर मैं अब आलमंड बटर एंड शहद एंड चिया सीड, तो ब्रेड पे पहले मैं एक चम्मच आलमंड बटर लगाऊंगा, उसके बाद शहद डालूंगा और फिर उसके ऊपर से चिया सीड डाल दूँगा। मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है और अब है इनके ब्रेकफास्ट की बारी। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। इस टाइम मेरी तबीयत में काफ़ी सुधार आ रहा है। और तो आज मेरा फर्स्ट डे था यहाँ पे और सुबह में मैंने सारा, मतलब जैसे कि मैं फ्रेश हुई, नहाई वहाई, खाई पी, तो काफ़ी अच्छा फील हुआ। मम्मी के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, दिन में सो भी गई थी और बहुत अलग लग रहा था आज। बहुत दिन बाद घर पे थी, देर रुके हम और रुकी मैं और अब मैं यहीं रहूँगी। भूख बहुत तेज़ लगी है, मैं सुबह के बाद से, ब्रेकफास्ट के बाद से कुछ खाया नहीं था काफ़ी टाइम से। मैं बाहर चला गया था काम से और जब वहाँ से आया हूँ, रास्ते में बाहर भी मैंने कुछ नहीं खाया, तो और घर पे कुछ बनाया नहीं है मैंने अभी। तो मैं बनाने जा रहा हूँ प्रोटीन मिल्क शेक, जो काफ़ी टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। और इस शेक के लिए सारे इन्ग्रीडियंट्स हैं, प्रोटीन एक्स, कोल्ड मिल्क, ठंडा दूध और ये बनाना है। फ्रोजन करके करेंगे बेहतर है, नहीं है तो आप नॉर्मल बनाना भी यूज़ कर सकते हैं। और
चीनी की जगह हम यूज़ करेंगे हनी और कॉफ़ी, और ये हमारा मिक्सर। आइस क्यूब भी यूज़ करेंगे जिससे काफ़ी चिल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसे शेक कर लिया है और ये रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना बेहतरीन झाग है और कितना स्मूथ लग रहा है, स्मूदी हो गई है। मैं इसे एक ग्लास में निकालूँगा। लोग सोच रहे हैं इसके ऊपर ये क्या है, ये है चॉकलेट, पर्क चॉकलेट मैंने डाली है एक टेस्ट के लिए। अब इसके ऊपर से डालूँगा थोड़ा सा चिया सीड्स जो काफ़ी हेल्दी है। शेक रेडी है। ये है मेरी प्यारी सी शिफू, और अभी हम लोग शिफू के ऑनलाइन क्लासेस की तैयारी कर रहे थे ना शिफू, और मैंने शिफू के लिए बहुत अच्छा क्राफ्ट बनाया था बैठ के। हाँ। कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा। अभी मैं आपको ले आके दिखाऊंगी। अभी हाँ नीचे चलेंगे तो फिर चल के देखेंगे। और अभी शाम हो रही है, मैं जा रही हूँ चाय पीने, और बहुत अच्छा सा कुछ बनाया है सायरा ने, जो मेरे यहाँ खाना बनाती है और काम करती है, तो उसने बहुत अच्छा सा कुछ बनाया है। तो हम लोग जा रहे हैं खाने और फिर थोड़ी बहुत देर बाद आपसे मिलते हैं। ये यहाँ पे शाम का नाश्ता चल रहा है। तो ये हमारी शिफू यहाँ पे जंप कर रही है। और आपने ड्रेस चेंज कर लिया ना? दिखाइए क्या। हाँ आपका प्रोजेक्ट अच्छा था ना? और वो जो प्यारी सी जा रही है, ये लूना है। लूना चली गई वो। यहाँ पे लूना चिकन खा रही है। हाँ, आप देख सकते हो इतना उछल कर खा रही है। और बता दी शिफू क्या कर रही हो? और हम यहाँ पर आ गए।